ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪਲਾਈ ਨਾਟ ਫੋਰ ਸੇਲ ਸੋ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਬਿੱਲ ਇਹ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਸਾਨੂੰ 5500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਈ ਆ ਸੋ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪੂਰੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ नॉट फॉर सेल का मतलब यह नहीं है कि भी इन्हें बेचा नहीं जा सकता मतलब है कि भी यह आम मार्केट के नहीं मिलेगी मेडिसिन यह सिर्फ जो कैंसर वाले हॉस्पिटल ने जिन्होंने गवर्नमेंट ने इंपैनल किया हो सिर्फ उन्होंने फार्मेसी के दवाई अवेलेबल हुई ता करके उसे नॉट फॉर सेल लिखा हुआ बट वो जी असं बिलिंग भी कर रहे हैं जो असं प्राइस भी लगा रहे हैं वो असं ठीक उ लगा रहे हैं जो गवर्नमेंट ने सू इंस्ट्रक्शन दी हुई वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह सोशल मीडिया एक अजिहा जरिया है जिस दे राही असी वेखण वालियां दा माइंड सैटअप करते हैं बिल्कुल जो भी कोई वीडियो असी सोशल मीडिया ते देखते हैं तो साडे दिमाग विच एकदम क्लिक हुंदा है कि जो असी देख रहे हैं वह सच है ये हुण वेखण वाले ते अते बनाउण वाले ते डिपेंड करता है कि बनाउण वाले ने उस वीडियो नूं किस रेफरेंस विच रिप्रजेंट करना चाहिए बहुत ही वारी सोशल मीडिया ते नैगेटिव ऑब्जेक्ट वालियां वीडियोज़ जिहड़ियां ने उह ज़्यादा वायरल हो जांदियां ने क्योंकि दूजियां दी आलोचना सुनने की सानू ज़्यादा आदत बन चुकी है पर जदों भी तुसीं कोई वीडियो सोशल मीडिया ते देखदे हो तो उसके पिछे का सच जानना बहुत जरूरी हो जाता है अजी ही एक वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल हो रही है जिस विच श्री गुरु रामदास चैरिटेबल हॉस्पिटल वल्ला दे बारे एक इंसान ने हाथ विच कैंसर की दवाई का डब्बा फड़िया होया है तो वह बोल रहा है बकायदा कि देखो मैं इस वक्त इत्थे खड़ा होया हाँ तो यह दवाई उपर लिखा होया है नॉट फॉर सेल पंजाब सरकार वालों प्रोवाइड की हुई है पर इस हस्पताल दे विच ये दवाई जिहड़ी है वो 5000 रुपए की दिती जा रही है सचमुच वीडियो देख के एक बार तो लगता है कि इदा हो रहा है इस वीडियो की पूरी सच्चाई जानने के लिए अज असी हस्पताल विच पहुंचे हुए हैं तो साडे नाल इस वक्त मौजूद ने डॉक्टर मनजीत सिंह उप्पल डायरेक्टर प्रिंसीपल डॉक्टर अनुपमा महाजन वाइस प्रिंसीपल एंड इंचार्ज फार्मेसी डॉक्टर जसविंदर सिंह मैंबर फार्मेसी कमेटी सब तो पहला सर तुहाडा स्वागत है जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह जी सर जे मैं थोड़े तो शुरुआत करा सरदार मनजीत सिंह जी तो तुसी किवें इस वीडियो नु जो तुसी देखिया तुहाडे दिमाग विच एकदम की आया क्योंकि जो किसी भी खेत्र दे विच काम करन वाले नु पता हुंदा कि असल विच फैक्ट की है देखो जी असी मैं संस्था नाल मैनू 28 साल हो गए इधर सर्विस करते हुए जी और जदों भी कभी पहली बारी नहीं होया पहली गल कि साडे अगेंस्ट इस तरह का हो रहा कुछ पोलीटिकल कनैक्शन करके साडी इस तरह की मतलब वीडियोज़ बहुत जल्दी वायरल होंदियां बट जिहड़ा इत्थे स्टाफ और डॉक्टर्स खास करके जिहड़े इत्थे काम करते हैं उन्हां वास्ते एक बहुत वड्डा सदमा लगता एक बहुत वड्डा झटका लगता है दिल नूं जाके लगती है गल कि भी असी इत्थे बिल्कुल निस्वार्थ हो के आपां सारे इत्थे काम कर रहे हैं तो पूरी जीओ जान लगा के मेहनत के नाल सारे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो एक बड़ी सिंपल जी गल जी कि सारे कोई लोग इल्जाम लगाने तो पहला समझे कि भी इतने जी साड़ी ट्रस्ट दिया भी संस्थाव है इतने जिन्हें भी इंपलॉई काम कर रहे हैं व्डे तो लैके छोटे तक डॉक्टर सीनियर डॉक्टर्स तो लैके क्लास फोर तक दर्जा चार तक सारे पेड है सारे की अपनी फिक्स्ड मंथली सैलरी हैगी है और किसी को भी ये परसनल कोई फाइनैशियल इंट्रस्ट किसी भी गड़बड़ करन दे नाल किसी को यह नहीं हो सकता कि भी जे को इंपलॉई कोई इतों का मुलाजम जो कोई यह गड़बड़ करता है तो कोई पैसे वो अपनी जेब च आ जाएंगे जेब कुछ नहीं आता हॉस्पिटल का सिस्टम बेशक इतने कितने भी एक रुपए की भी असी पेमेंट पेशेंट करता है नाल दी नाल उन्हें उस एक रुपए की रसीद उस वेले उसके हाथ फड़ा दी जाती किसी भी जगह के उत्ते ए टू जैड हॉस्पिटल तो एडमिशन तो लैके डिस्चार्ज तक और कोई दवाई लैन तो लैके कोई टैसट कराने तक किसी भी फैसिलिटी के जिथे जिथे भी पेशेंट पैसे देंदा नाल ही उस वेले रसीद जी हाथ के दे दी जाती सो एक बड़ा वड्डा जिन्हों कहने कि भी मिसकनसैप्ट है कि जिदे को बंदा सोचे कि जी हॉस्पिटल इंज कर रहा क्योंकि कोई भी जरा बंदा कोई इस तरह का काम करने की कोशिश करता वो पिछले वह कोई मोटिव होंगे कोई मंशा होंगी है कि भी मैं चीज़ करनी है तो किस तरह करनी है जबकि इतने मोटिव कोई नहीं बनता इस तरह का तो बाकी फिर भी यह बहुत मनभागी गल है कि यहोजे दिन मतलब साडे संस्था के अगेंस्ट बिना किसी तत्थ नूं वेरीफाई कीत्या होया और लोगों मतलब साडे अगेंस्ट गलत इंप्रैशन देना मैं कहांगा ये बहुत एक घोर पाप है कि भी जड़े साफ दिल दे नाल तय दिलों सेवा कर रहे ने पेशेंट्स की डॉक्टर्स है उन्होंने स्टाफ वास्ते एक बहुत ही उन्होंने मोरल गिर जाता है और उन्होंने मतलब मनोबल जड़ा वो टुट जाता है बिल्कुल जिसे करके बहुत दुख होता है
जे हुण असीं इस वीडियो की गल कर लिए तो उस वीडियो दे विच जो कहा गया है कि गवर्नमेंट वालों जिहड़ी मैडिसिन सप्लाई की जाती है नॉट फॉर सेल लिखा होया है तो उहदे पिछे की सच्चाई है कि एग्जैक्ट 5000 की ही उस इंसान ने खरीदी सी जां किवें ओह रेट वगैरह की ने उहदे जी इहदे विच इस चीज़ का जवाब तुहानूं अपने आप ही क्लीयर हो जाएगा जदों मैं तुहानूं सारा सिस्टम समझाना जी। बेसिकली कैंसर डिपार्टमेंट जिहड़ा हैगा इत्थे अमृतसर दे विच शहर दे विच सिर्फ दो ही अस्पताल ने जिन्हां नूं गवर्नमेंट वालों परमिशन हैगी है कैंसर ट्रीटमेंट जिहड़ा MMPC दे अंडर करन दी। एक गुरु नानक हॉस्पिटल है, एक साडा हॉस्पिटल है और उहदे विच जिहड़ी है परमिशन है गवर्नमेंट ने जिहड़ी दित्ती है उहदे विच सारा उहनां दा एक सैट प्रोसीजर हैगा कि जिहड़ा बिल्कुल उस तरह सानूं एक एक चीज़ और एक एक सारे सिस्टम दे नाल चलना पैंदा साडी उहदे विच कोई भी अपनी मर्जी नहीं कर सकदे। उहदे विच सब तो पहला स्टार्टिंग दे दवाइयां दी गल जे करिए ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਇਹ 27 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਬੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6% ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੋਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਓਵਰਹੈਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 6% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 6% ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਉਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਉਸ ਕੋਸਟ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ UC ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ABCD ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਦਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਰਿਸਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਲੱਸ 6% ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਥੇ MMPC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੱਧ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਸਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ UC ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਊਂਟ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਰਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਨੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਾਰਜਿਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਿਸਟ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਤਾਂ ਠਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਸਟ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਸਰ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 5000 ਦੀ ਮੈਂ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰੇਟ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਰੇਟ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੁਰੈਫੇਨਿਬ ਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈਗੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਸਿਪਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹ 'ਚ ਟੈਬਲੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ 30 ਟੈਬਲੇਟਸ ਦੀ ਡੱਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1260 ਰੁਪਏ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ 1260 ਰੁਪਏ 6% ਲਗਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ 'ਚ GST ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1335 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਿੰਗ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ।
ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ। जी तुहाडे सामने देखो ये बिल भी है जो असी वीडियो देखी वायरल उहदे विच बिल तो दिखा दिता गया पर बिल के पिछे की सच्चाई जी है भावें कि डॉक्टर साहब ने हुण प्रॉपर एक्सप्लेन कर ही दिता है बट ये जी तुसी सानू सारा ये प्रोसैस दस रहे हो कि ये उसनू नहीं एक्सप्लेन किया गया कि क्यों असी बिल लै रहे हैं भावें उत्ते नॉट फॉर सेल लिखे होया पर क्यों बिल लिया जा रहा है उन्हें नहीं दसिया गया सी। जड़ा देखो जी इस चीज़ बारे क्लीयर करना बहुत जरूरी है कि नॉट फॉर सेल जड़ा लिखा होंदा क्योंकि कंपनीज़ ने गवर्नमेंट नाल कॉन्ट्रैक्ट किया जी गवर्नमेंट नाल कॉन्ट्रैक्ट करके वो दवाई जी है वो मतलब सिर्फ इस परपज़ली ही आएगी इस करके उन्होंने उत्ते नॉट फॉर सेल लिख दिता ताकि यह दवाई का कोई मिसयूज़ ना करे बिल्कुल तो इस करके उन्होंने ये लिख दिता अदरवाइज यह सिर्फ इस करके है कि भी नॉट फॉर सेल का मतलब यह नहीं है कि भी इन्हें बेचा नहीं जा सकता मतलब है कि भी यह आम मार्केट के नहीं मिलेगी मेडिसिन यह सिर्फ जो कैंसर वाले हॉस्पिटल ने जिन्होंने गवर्नमेंट ने पैनल किया होया सिर्फ उन्होंने फार्मेसी के दवाई अवेलेबल होगी करके उसे नॉट फॉर सेल लिखा होया बट वो जी असं बिलिंग भी कर रहे हैं जो असं प्राइस भी लगा रहे हैं वो असं ठीक उ लगा रहे हैं जो गवर्नमेंट ने सानू इंस्ट्रक्शन दिती हुई जी तो उसने इस बारे पता सी वो पहला भी कोई मेडिसिन लैके जाता सी। हाँ जी मैं जिन्ना पता करवाया जी ये पेशेंट काफ़ी देर तो मेडिसिन लैके जा रहा कोई पहली बार उन्होंने मेडिसिन नहीं ली जी तो ये बड़ी हैरानी की गल है कि उन्होंने दिमाग के पेशेंट के दिमाग से की कोई गल सूझी कि वो शरारत सूझी है कि भी जिद करके पहला आराम नाल दवाई ले जाके और हूँ उस चीज़ में इस चीज़ में इन्ना उछालिया जा रहा और अननेसेसरी है इस चीज़ बारे पॉलिटिकल मोटिव दे क्योंकि पार्टी का नाम लिया गया पिछले बिल्कुल हो सकता है जी पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है क्योंकि मैं तुम्हें पहले दस चुके हैं साड़ी संस्था जी है गुरु रामदास जी के नाँ से संस्था चलती है और सारे पास साड़ी संस्था जी कनैक्टेड हैगी जी जी सर तुसी बहुत वधिया एक्सप्लेन तो कर दिता पर जाते जाते की कहना चाहोगे क्योंकि वेखण वाले जिवें असीं पहला गल कीती है माइंड सैटअप बनता है ना लोगों का तो तुसी की कहना चाहोगे कि जो संस्था के बारे कोई भी वीडियो क्योंकि आए दिन ही वीडियोज़ वायरल हो जाएं ने नैगेटिव वाली जिहड़ियां ज़्यादा वायरल होंदियां ने तो तुसी की कहना चाहोगे देखने वाले मैं सिर्फ देखो जी जनता बहुत सियाणी है अजकल दी डेट दे विच हर कोई बंदा अपने आप दे विच बहुत इंटेलीजेंट है सियाणा है तो मैं कोई बहुता इस चीज़ नूं समझाने की कोशिश नहीं करांगा मैं सिर्फ एक दास बन के एक बेनती करांगा अपनी सारी जड़ी जनता हैगी और सारी जड़ी संगत हैगी है कि भी एहो जी कोई भी जड़ी कोई वीडियो वायरल होंदी है उहदे पिछे दो चीज़ों का जरूर ध्यान रखा जाए सब तो पहला तो कि भी जिहड़ा बंदा वो वीडियो कर रहा उहदा की परपज़ हैगा उहदा की पिछे उहदा कारण है वह बंदा इस तरह क्यों कर रहा वो कोई समाज सेवा नहीं कर रहा वो सिर्फ अपनी सैल्फ प्रेज़ कर रहा या अपनी कोई प्रोपेगंडा वास्ते अपने आप नूं करन वास्ते इस तरह यूज़ कर रहा सो वो एक वो देख लेना चाहिए दूसरा कोई भी जड़ी चीज़ है वो दिमाग के कुछ भी करन वास्ते सब तो पहला तो उस चीज़ के तथ्य जाने बिना जड़ा भी कोई बंदा इस तरह की करता तो वो वीडियो के उत्ते गौर ना किया जाए जब तक पूरे ये तथ्य जड़े ने वेरीफाई ना किए जान तो इस चीज़ के उन्हें कंप्लेंट भी की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ड्रग इंस्पैक्टर आए उन्होंने आके सारी चीज़ पड़ताल की असी उन्होंने सारे कागज़ दिखाते सारा असी वेरवा उन्होंने सामने रख्या और उन्होंने भी सारा तसली दे नाल सारी करके अपनी जो उन्होंने गवर्नमेंट के नाल बनती कार्रवाई सी कंप्लेंट के मुताबिक वो सारी उन्होंने कंप्लेंट करके कार्रवाई कर दी और उन्होंने सानू कहा कि भी तुसी सारा कुछ जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो उहदे च सानू कोई किसी कोई कोताही होंदी नहीं पाई गई कि जो भी सिस्टम असी इत्थे कर रहे हो और वड्डी गल है कि इस चीज़ नू कहना तो बड़ा सौखा है जी कि कैंसर मरीजों नाल इंज कर रहे बट मैं एको गल कहांगा कि कोई भी बंदा जिहदा अपना जमीर थोड़ा जिहा भी जमीर होएगा वो इस लैवल के उत्ते किसी कैंसर के पेशेंट के नाल इहो जिहा धक्का नहीं कर सकता जान बुझ के कि भी जिहड़े कही भी असी भी कहने भी आम लोग पंजाबी कहने भी कल नूं असी भी रब नूं मूँह विखाणा इहो जिहा काम करके वह भी कैंसर वाले पेशेंट नाल इहो जी एड्डी वड्डी कोताही मेरा नहीं ख्याल कोई भी बंदा जिहड़ा अपनी सेन सेंसिस दे विच होएगा जिहड़ी अपनी जिहड़ा दिमाग सही चलता है और अपनी पूरी होश दे विच इहो जिहा कोई काम बंदा करेगा और असी सारे इस चीज़ बारे
दुखी होकर सानू इस तरह के एक्शन लेने पैंदे और असी मतलब यह चीज़ सोच लिया कि असी इस डेफामेशन की फाइल कंप्लेंट करांगे इन्हां दे अगेंस्ट कि जिहड़े सानू बिना तत्थां नू जाने हुए इस तरह संस्था की बदनामी करते हैं। जिहड़े डॉक्टर इत्थे तहे दिल नाल अपनी सारी मेहनत करके मरीजां दा इलाज कर रहे हैं उन्हां उत्ते भी इस तरह के इल्जाम एडे संगीन इल्जाम लगाते बिना तत्थां दी वेरीफाई कीते, तो इस चीज़ उत्ते भी असी अपनी कानूनी कार्रवाई जरूर करांगे। जी बिल्कुल, सारे प्रूफ जिहड़े ने तुसीं दिखाई दिते ने ते असीं इस नूं जिहड़ा होर वाइड करके सारे दर्शकों नूं नाल नाल वीडियो दे दिखाए भी ने। सो तुसीं देख ही लिया कि वीडियो तुसीं पूरी जे देखी होगी तुहानूं पूरी गल समझ आ गई होगी, पूरा कंसैप्ट समझ आ गया होगा किस तरह सारा प्रोसीजर हुंदा है, किस तरह कोई भी गवर्नमेंट जिथे नॉट फॉर सेल लिखा हुंदा उहदा मतलब मुफ्त नहीं हुंदा है। सारियां गल्लां तुहानूं समझ आ गईआं होणगीआं, प्रूफ सारे साडे कोल मौजूद ने। सो साडा जिहड़ा इत्थे विजिट करना सीगा उसका मकसद इक्को ही सी कि कोई भी वीडियो देख के तुसीं उसका प्रभाव कबूलण तो पहलां उसके पिछे का सच जरूर जाणो। बहुत बहुत धन्नवाद डॉक्टर साहब तुहाडा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।